स्टूडेंट्स आज हम करेंगे वर्कबुक के अंदर वर्कशीट नंबर 16 से ऑनवर्ड। कल हमने 15 तक का कर लिया था, आज हम 16 से शुरू करेंगे। सभी बच्चे वर्कबुक के अंदर वर्कशीट नंबर 16 ओपन कर लें। टॉप ऑफ द पेज सब अपना नाम भरेंगे, नेक्स्ट डेट वाला जो कॉलम है उसके अंदर सारे बच्चे डेट भरेंगे। अब उसके नीचे देखते हैं, समान अंतिम ध्वनि वाले शब्दों को रेखा खींच करके मिलाइए। आपके सामने दो टेबल बनी हुई है, एक तरफ बहुत सारे शब्द ऊपर से नीचे तक लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ भी इसी तरह से शब्द लिखे हुए हैं। आपको दोनों तरफ के शब्दों में से ऐसे शब्द जो बोलने में एक जैसे लगते हैं, जैसे मैं बोलूं कल थल पल, तो ऐसा साउंड हो रहा है ना, एक जैसा साउंड आ रहा है कल थल पल। या फिर मैं बोलूं नीला पीला ढीला गीला, तो ये एक साउंड कर रहा है। ऐसे वर्ड जो एक समान ध्वनि निकालते हैं उनको हमें मिलाना है। जैसे ये इस तरफ वाले जो कॉलम है, इस तरफ वाले मैं रीड करूंगा, सामने वाले में से मैं जिससे पूछूंगा वो पढ़ करके बताएगा कि इसके जैसी ध्वनि कौन से शब्द में आ रही है, ठीक है ना। जिससे पूछूं केवल वही। जैसे पहला वर्ड है जल्दी, इसके लिए कुणाल बताएगा कि सामने वाला कौन सा वर्ड होना चाहिए और जोर से बोल के बताएंगे। सामने वाले वर्ड पढ़ो और सेम साउंड वाला वर्ड कौन सा है बेटा, देखें जैसे जल्दी बोलने में आ रहा है उसी तरह से सेम ध्वनि कौन करता है। हल्दी, जोर से बोलो हल्दी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी रीड करने में अभी भी दिक्कत होती है, कुणाल बैठो एक बार। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, रेज योर हैंड्स, जिनको हिंदी अभी भी पढ़ना बहुत स्लो स्लो आता है। बेटा जिनको भी ये प्रॉब्लम है ना कि हिंदी बहुत धीरे पढ़ते हैं, एक सेकेंड कुंज घर जाकर ये प्रैक्टिस करेंगे। जिन बच्चों को एक या दो बच्चे जैसे कुंज है लक्ष्य है, इनको थोड़ा सा जल्दी पढ़ने में, ऐसे तो पढ़ना तो आता है इनको लेकिन हिंदी को जल्दी पढ़ने में दिक्कत होती है, तो घर जाकर के आपके जो भी ट्यूशन टीचर या जो भी घर पे प्रैक्टिस आप करते हो उसके अंदर यही चीज प्रैक्टिस करोगे बार बार, ठीक है ना। बार बार रीड करने की कोशिश करोगे। और भी कुछ बच्चे जिनको हिंदी बहुत तेजी से नहीं पढ़ना आता, लाइन को बहुत जल्दी से नहीं पढ़ सकते, वो घर जाकर के प्रैक्टिस करेंगे इस चीज का ताकि जल्दी पढ़ा जाए, ठीक है ना। तो जल्दी का सेम साउंड वाला कौन सा है, हल्दी। सामने वाले जब पढ़ेंगे ना तो उसमें लगेगा कि जल्दी का सेम साउंड कौन सा है, हल्दी। मिस्टी खड़े हो, इन्हें का सेम साउंड करने वाला वर्ड कौन सा है बेटा सामने वाले में से, उन्हें। इन्हें का सेम साउंड करने वाला वर्ड उन्हें, अभी बात नहीं करेंगे। सातवीं खड़े हो, जाएगी, इसका सेम साउंड करने वाले सामने वर्ड पढ़ो। जाएगी का सेम साउंड करने वाला वर्ड कौन सा है, सामने वाली टेबल में देख करके बताना है आपको। आएगी, बहुत अच्छे। जाएगी का सेम साउंड कौन सा है, आएगी। और इसी तरह से और बताओ, देखें साथियों इसके अलावा एक तीसरा वर्ड बता जो बुक में भी नहीं है और इसके सेम साउंड करेगा, जैसे जाएगी आएगी इसी के जैसे साउंड करने वाला और वर्ड सोच के बताओ। डोंट रेज योर हैंड्स, ओनली सात्विक विल टेल। सिट डाउन। कल जाएगी आएगी नहाएगी खाएगी सोएगी, ये सारे सेम साउंड वाले, बैठ जाओ। गाएगी भी हो सकता है, बहुत अच्छे। अब अगला है इसके लिए आदित्य खड़े हो, लेकर। लेकर का सेम साउंड कौन सा है सामने वाले वर्ड्स या सामने वाली टेबल में से, देखकर। बहुत अच्छे बेटा, सिट डाउन। अच्छा करना क्या है आपको, पेंसिल से मिलाना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना वर्ड्स को, जैसे जल्दी को हल्दी से मिलाएंगे, इन्हें को उन्हें से मिलाएंगे, जाएगी को आएगी से मिलाएंगे, लेकर को देकर से मिलाएंगे, खाने का सेम साउंड वाला आ रहा हो खाना, इसके सेम साउंड वाला बताना। खाना, खाना का सेम साउंड वाला वर्ड सामने वाले वर्ड्स में से। गाना,
बहुत अच्छे। खाना का सेम साउंड कौन सा है? गाना। आना का जाना। देखो आना कितने सारे बता सकते हैं हम, आना जाना खाना नहाना मांगना और भी माना थाना, बहुत सारे वर्ड्स आप बता सकते हैं। पीना थोड़ा अलग साउंड करेगा बेटा। खाना माना जाना थाना ये वाले सब, माना तो बता दिया मैंने। और इधर का उधर, इधर उधर सेम साउंड कौन सा है? इधर उधर जिधर किधर, ये सारे कैसे हैं? सेम साउंड करने वाले। तो हमें ऐसे शब्द बताने थे जो सेम साउंड करते हैं, उनको पेंसिल से मिलाना। अगला है वर्कशीट नंबर 17। वर्कशीट नंबर 17 देखो, इसके अंदर है एक को अनेक से मिलाइए। आपको एक तरफ दिए गए हैं सिंगुलर वर्ड्स, एक वचन, जैसे कि आपकी क्लास के लिए मैं कहूँ बच्चा, एक वचन वर्ड है ना, उसमें एक ही बच्चा आएगा। अच्छा एक वचन में और बहुवचन में अंतर कौन बताएगा? यहाँ सामने आकर के बताइए, अक्सर इधर आओ कैमरे के सामने आकर के बताइए कि एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है, और बाकी वचन सुनना। बहुत अच्छे। बहुवचन का मतलब बहुत सारे, एक वचन का मतलब एक ही, संख्या में कितना होना चाहिए? एक। बहुत बैठो बैठो सीधा, बहुत अच्छे। एक वचन का मतलब संख्या में कितने? एक। बहुवचन का मतलब संख्या में कितने सारे? अनेक या बहुत सारे। जब हमारे पास कोई भी वस्तु, मनुष्य जानवर बहुत सारे होते हैं तो हम उनको लिए कहेंगे बहुवचन, और जब संख्या में एक होता है तो कहेंगे एक वचन। जैसे मैंने कहा टेबल, तो उसका मतलब क्या हुआ? एक ही टेबल हुआ। मैं कहूँ टेबलें, तो इसका मतलब क्या हो गया? बहुत सारी टेबलें। मैंने कहा पुस्तक, तो कितनी पुस्तक हुई? एक। और मैं आपसे कहूँ पुस्तकें, तो कितनी सारी? बहुत सारी। मैंने आपको एक वर्ड दिया लड़की, इसका मतलब एक लड़की, गर्ल हो गई। मैंने कहा लड़कियां, तो कितनी सारी हो गई? लड़का एक वर्ड हो गया, एक वचन। मैंने कहा लड़के, तो क्या हो गया? बहुवचन। इसी तरह से आपको एक वचन से बहुवचन को कनेक्ट करना है। मैं जिससे पूछूंगा वो बच्चा आंसर करेगा, और सामने बुलाऊंगा आपकी बात, कैमरे के सामने आकर के बोल के जाएगा जल्दी से। आराम खड़े हो, आपका तो करना आ गया था ना? अभी बेटा एक बार देखिए, अक्सर इधर आओ बेटा। लोमड़ी का बहुवचन बताओ। लोमड़िया। शाबाश बैठो कुशाग्र, चलो कैमरे के सामने जल्दी। कुशाग्र आपको बताएगा बाग का बहुवचन, गार्डन वाला बाग जो होता है ना, कैमरे की तरफ देखो, बाग का प्लूरल या बहुवचन? बागों। बाग का बहुवचन क्या होगा? बागों। जैसे एक गार्डन है, उसके लिए एक गार्डन के लिए क्या कहेंगे? बाग। और बहुत सारे गार्डन हो तो बागों। सिद्धांत नव्यांशु, नव्यांशु बताएगा बेल, बेल का बहुवचन। बेल क्या होती है पहले तो ये बताओ, जानते हो? लंबी सी, कई बार पेड़ पे चढ़ी भी देखिए, उसको बेल कहते हैं। तो इसका बहुवचन क्या होगा? ना कोई और नहीं बोलेगा, no one can. Only the student which is in front of camera can answer the question. No one else. Yes. Bele. Good one. Sit down. Kostub. Kostub आपको बताएगा रोटी का बहुवचन। रोटियां। शाबाश। कम। कुंज। कुंज बताएगा गाय का बहुवचन। गाय का बहुवचन क्या होता है? गायें। सिद्धांत। अब वर्कशीट नंबर 18 ओपन करो बेटा। अच्छा ये भी आपको मैं कैमरे के सामने यही बुलाऊंगा आंसर करने के लिए। मयंक तेरा नहीं है ना टर्न बेटा, इधर आओ, पहले एक बार उसमें देख लो, आपके पास वर्क बुक नहीं है? देखो सारे बच्चे, बाकी भी देखो,
जो बताएगा वो एक बार बाद में आना, माइक बैठो एक बार सिट। आपके वर्कशीट नंबर 18 है, नीचे लिखे शब्दों की टुकबंदी वाले नए शब्द लिखिए। देखिए वापस से, पे अटेंशन टू माय वर्ड्स। समान तुकबंदी, समान ध्वनि, सब एक ही बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि समान तुकबंदी वाले शब्द बताओ, इसका मतलब भी ऐसे शब्द बताने हैं जो सेम साउंड करते हैं। समान ध्वनि वाले शब्द बताओ तो भी उसमें ऐसे बताने हैं जो सेम साउंड करते हैं। तो ऐसे शब्द जो बोलने में सेम सा साउंड करते हैं हम उनके बारे में बताएंगे। किसी बच्चे की बिल्कुल मरमरिंग की आवाज भी नहीं आएगी, बहुत हल्के हल्के बोलने की भी नहीं आएगी, ठीक है ना। इसी तरह के सेम ध्वनि वाले बताने हैं। जैसे पहला है बोल, मोल, टोल, गोल, एक सा साउंड हो रहा है। इसी तरह से नीचे वाले वर्ड्स को पढ़ के रखेंगे, जिसका टर्न आएगा वो सामने आके बताएगा। मैं इधर, अगला वर्ड है चंदा, चंदा, इसके सेम साउंड वाले वर्ड्स आपको बता रहे हैं। गंदा, और केवल एक से काम नहीं चलेगा, चंदा का एक तो हो गया गंदा, ठीक है। चलो बैठो नेक्स्ट के लिए। खुशवंत रनी है ना तेरा सामने, चंदा का एक वर्ड हो गया सेम साउंड वाला गंदा, नेक्स्ट बताओ। फंदा, बहुत अच्छे, बैठो। देखो दो बच्चों ने बता दिए, मैं एक आपको बता देता हूं। चंदा का देखो सेम साउंड वाला एक तो गया गंदा, मंदा, धंदा, फंदा, चार वर्ड हो गए ना, हमें केवल तीन लिखने हैं इसमें, तो कोई से भी तीन सिलेक्ट करके आप लिख देंगे, ठीक है ना। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, एक बार देख लीजिए इसमें क्या है, कुछ वर्ड्स ऐसे हार्ड होंगे जो आपसे लिखे नहीं जाएंगे, तो आप देख करके लिख लें, और गलती नहीं करेंगे बेटा, देखने में एरर्स नहीं होनी चाहिए। गंदा, गंदा ऐसे लिखते हैं ना, गंदा, मंदा और फंदा, ये तीन वर्ड्स लिख लो, ये तीन वर्ड्स लिख लो फटाफट, और इसी तरह से लिखे होने चाहिए, गलती नहीं करोगे इनमें। गंदा भी हो सकता है, धंधा भी हो सकता है, लेकिन आपको तो ये तीन वर्ड लिखने हैं, लिख लो, मिस्टेक नहीं करनी है। अगर किसी ने गलत लिखा हुआ है तो इसको सही कर लो। अगला है मन, इसके लिए मैं जिसको बुलाऊंगा वो, यस, और मानसो के बाद दोनों आ जाओ, पीछे वाले दोनों आ जाओ। मन का सेम साउंड वाला वर्ड बताओ, धन, बहुत अच्छे। मन का एक सेम साउंड वाला तो हो गया धन, नेक्स्ट बताएगा आपको कल, 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 कल नहीं बेटा, सेम साउंड नहीं हो रहा। मन, धन, धन तो फिर भी सेम साउंड कर रहा है, कल सेम साउंड नहीं कर रहा। कोई और वर्ड, चलो बैठो, लक्ष्य। मन के सेम साउंड वाला एक तो हो गया धन, अगला कोई बताओ। हाँ लेकिन वो तो इंग्लिश वर्ड हो गया बेटा, अभी कोई और, चलो आप बैठो, लक्ष्य इधर से प्रण लेते हैं आगे से। सात्विक, सात्विक आपको बताएगा मन, धन, उसके अलावा घन, घन, बहुत अच्छे। घन क्यूब जो होता है ना उसको घन कहते हैं। बानू एक वर्ड और बता देंगे बेटा अगर आपको आता है तो। मन, घन, धन, दो वर्ड तो हमें मिल गए, एक वर्ड और बताओ। मन, धन, घन और चलो बैठो मैं आपको बताता हूं। मन तो हो गया ना, तन, कुंज ने सही बताया बेटा, हो गए बस, हो गए कुंज ने सही बताया,
मन धन तन घन। जिसने नहीं लिखा हुआ है देख करके लिख ले। मन के सेम साउंड वाले लिखेंगे बेटा, तन धन और गन लिख लो। जिसने एरर की हुई है लिखने में वो थोड़ा सा ध्यान रखना, सही कर लेना। अगर अगर नहीं लिखे हुए तो लिख लो। अब अगले वर्ड के लिए अरुण, अगला वर्ड है सब। कब जब लब, कब जब लब, लब सब तो पहले से हो गया ना, रब। बहुत अच्छे बेटा, इसने सही बताया। और लब भी हो सकता है, लब यानी अपने होड़ जो होते हैं ना, इनको लब भी कहते हैं उर्दू भाषा में। तो क्या क्या हो गए देखो, कंप्लीट हो गए देखो। सब है ना वर्ड, सब के लिए रब, तब, कब, जब, लब, पांच वर्ड मैंने बता दिए। हमें केवल तीन लिखने हैं। बोर्ड पे लिख रहा हूं, रब, तब, कब, तीन वर्ड लिख लो फटाफट से, जिसने नहीं लिखा हुआ है वो। अब भी होता है, सही है। बताइए अब कब जब सही है, ये भी सही है, सेम साउंड होना चाहिए बस। अब अगला वर्ड है हार्दिक खड़ा हो, लाल। इधर सामने कैमरे की तरफ आकर के और आप बताएंगे लाल से सेम साउंड करने वाले वर्ड कौन कौन से हैं। गाल। उसके अलावा और याद है, गाल सही है, चलो बैठो। लाल का एक तो सेम साउंड हो गया, ऐसे ही नहीं बोलेगा कोई भी, रैंडमली नहीं बोलेंगे। कैमरे के सामने बुलाऊंगा उसके बाद बोलेंगे, कल सामने आओ। रजिस्टर करना चुका है, डॉक्टर जो है फुट डाउन। नल तो हो ही नहीं सकता, मैंने लाल कहा है। लाल और नल सेम साउंड कर रहे हैं क्या, देखिए बताओ। लाल, लाल के बाद उसने क्या बताया अभी आरती ने, गाल। तो एक तो हो गया मैं सीरियल से पूछूंगा, रैंडमली किसी का टर्न नहीं आएगा। काल सही है, गाल, लाल, काल। बी ऑल वन वन मोर वर्ड कम एंड देन गाल, काल, लाल, बताओ। जल्दी आंसर करो, नाल, नाल। बहुत अच्छे, चलो देखो सब बच्चों ने अलग अलग बताए, लाल, काल, गाल, नाल। अब उसके अलावा मैं आपको और बताता हूं कुछ एक वर्ड, थाल, माल, साल, जाल, बहुत सारे हो गए ना, थाल, माल, साल, जाल, लाल, काल, गाल, नाल। सात से आठ वर्ड हो गए हमारे पास। ढाल भी होती है, इसने सही बताया अरुण ने, ढाल भी होता है, पाल भी होता है, बाल भी होता है। बहुत अच्छे, माल तो बता दिया मैंने, ताल भी होता है। अरे वाह, एक हो गया थाल जो प्लेट की तरह रहता है ना बड़ा सा, और एक होगी ताल जो डांस के अंदर चाहिए होते ना, ताल से संगीत नहीं हुआ ऐसे करके बोलते हैं कई बार, तो वो ताल भी हो गया, सही है। चाल भी हो गया, अरे वाह, हमने कम से कम 12-13, चाल भी हो गया 12-13, ऑलमोस्ट 14 या 15 वर्ड साइन कर लिए। खाल भी हो गया, सबसे ज्यादा वर्ड है इसके साथ में, खाल हो गया, खाल भी है। डाल भी है, बाल तो हो गया ना। चलो बेटा अब नेक्स्ट, अरे बहुत सारे हो गए, नीला कैसे हो जाएगा, वो तो हो गया बाल। पान, पान, पान तो सेम साउंड कहाँ कर रहे थे,
करके देखो, साल पान अलग हो गए, सेम साउंड होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है माला, उसके लिए जिसका ट्रेंड है वो आ जाओ एक बार। माला, माला वर्ड से सेम साउंड करने वाले वर्ड्स बताएंगे अभी। नाला, 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 ठीक है। बाला, एक बस दो हो गए, ठीक है और बताओ। बाला, नाला और आगे काला, काला, बहुत अच्छे तीन वर्ड। इसके अलावा और वर्ड्स याद है आपको तुरंत? नहीं, हाथ कोई नहीं कटा करेगा बेटा, वेट फॉर योर टर्न। बताओ पीछे बोर्ड की तरफ जाओ। और याद है बेटा, तीन तो अभी नहीं बता दिए, और बता सकते हो उसके अलावा? चलो आप बताओ, पानी से, पानी के सिमिलर वर्ड बताओ बोलने में, सेम साउंड वाले। बेटा किसी की बात करने की इधर से आवाज नहीं आनी चाहिए, सामने जान लो, नहीं आता पानी। अरे बीच में नहीं बोलना किसी को। पानी से सेम साउंड करने वाला वर्ड बताओ। देख बैठो चित्रा बेटा, पढ़ा करो बच्चा की। नेक्स्ट कौन है? हार्दिक बेटा, पानी से सेम साउंड करने वाले वर्ड्स। दानी, दानी, दानी और गानी। क्या रानी बोला आपने? रानी हो सकता है, सही है। चलो बैठो। इसके अलावा पानी से सेम साउंड करने वाले कुणाल, पानी से इसने दो बता दिए, रानी और क्या बताया मैंने? दानी, दानी, नानी, दो तो हो गए। खानी और चलो बैठो बेटा, डोंट रेज योर हैंड, I told you so many times. पानी से सेम साउंड करता हुआ वर्ड बताएंगे। पानी, 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 चानी, मानी। हाँ, इनमें से कुछ तो गलत है, चानी नहीं होता, मानी होता है, सही है। चलो बैठो, देखो इसमें आप आराम से बता सकते हैं। मैं वापस से आपको शुरू करके बताता हूँ कौन सा वर्ड है। हम पानी से, पानी से कर रहे हैं, तो पानी से सबसे पहला वर्ड जो गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ जाते हो? नानी, नानी तो किसी ने बताया ही नहीं, नानी, मानी, इसके अलावा दानी, सानी, कानी और जानी, बानी, सानी बता दिया मैंने। बस बेटा कंप्लीट, अब निकालो वर्कशीट नंबर 19। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार पहले पढ़ाया हुआ है, अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में। आपको एक बार क्लास में पढ़ाया था ना मैंने, अनुनासिक और अनुस्वार को कैसे बोलते हैं, पढ़ाया था, याद है या नहीं है? अरे मैंने वीडियो बनाया था बेटा क्लास के अंदर, पढ़ाया था एक बार आपको अनुनासिक और अनुस्वार, उसको लेकर के क्लास फर्स्ट में पढ़ाया था। आप तो शायद सेकंड में आए हो ना, इसलिए नहीं पढ़ा हो, यहाँ इसमें पढ़ा दिया, सेकंड में पढ़ा दिया। एक बार देखो, वापस से देखना, एक बार बोर्ड की तरफ देखना सारे बच्चे। मैं आपको अनुस्वार और अनुनासिक का यूज बता रहा हूं। जैसे आपने अभी ये वर्ड पढ़ा था, तो ये जो लगा हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा? बिल्ली, बिंदी तो बोलते हैं, लेकिन इसका एक नाम और है बेटा, अनुस्वार। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और एक मैं आपको बताता हूं, ये कौन सा है? बस बस बस, डाउन योर हैंड्स, कीप साइलेंट। इसमें इसके दो नाम है, ये तो इसको तो केवल एक ही नाम से कहते हैं, अनुस्वार। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार। लेकिन इसके दो नाम हैं, इसको आप चंद्रबिंदु भी कह सकते हैं और इसको अनुनासिक भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही है।
अगर आप इसको अनुनासिक बोलते हैं तो भी सही है, अगर आप इसको अनुस्वार सॉरी चंद्रबिंदु बोलते हैं तो भी सही है। और चंद्रबिंदु क्यों बोलते हैं, चंद्रमा जैसा होता है उस तरह का नहीं दिख रहा निशान, और एक बिंदु इसको बोल देंगे बिंदु, इसको बोलेंगे चंद्रबिंदु, ये दोनों भी सही है। अगर आप इसको बिंदु बोलेंगे या अनुस्वार बोलेंगे तो ठीक है, इसको चंद्रबिंदु बोलेंगे या अनुनासिक बोलेंगे तो भी सही है। ये चंद्रबिंदु इसलिए बोला जाता है कि चंद्रमा की साइज हम कैसे देखते हैं, हमेशा ऐसा ही दिखता है ना, जनरली स्काई में अगर आप नाइट में देखेंगे तो चंद्रमा आधा सा दिखता है, तो इसको तो बोल दिया चंद्र और इसके ऊपर डॉट लगा दिया, अब ये क्या बन गया, यस नहीं, रेफ और फलेन तो अलग होता है बेटा, वो तो रे को लिखने के तरीके हैं, शायद आपको मिक्स हो रहा है। तो इसी तरह से हमें जैसे ये मंदा बना हुआ है ना, इसी तरह के चार पांच वर्ड और बनाने हैं, और ये चंदा लिखा हुआ है इसी तरह के चंद्रबिंदु यूज करते हुए वर्ड्स बनाने हैं। तो इसके लिए मैं ही आपको लिखवा देता हूं, आपके साथ प्रैक्टिस नहीं है, बोर्ड पर देख करके लिख लें। जिन बच्चों ने लिख लिया है और उनकी मिस्टेक है वो करेक्ट कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लेंगे। सबसे पहले है अनुस्वार वाले शब्द, अनुस्वार वाले शब्दों में देखो आपके पहले से लिखा हुआ है चंदन, अब आप लिख सकते हैं मंदा, धंधा, ये नीचे तक दिख रहा है, कंधा, अभी ये लिखो झंडा भी हो जाएगा बेटा, अभी ये लिखो इसके बाद मैं वापस से वो लिखो, अभी ये लिख लो उसके बाद मैं ऊपर वाला मिटा करके और लिखता हूँ। और इस तरफ लिख लीजिए अनुनासिक, अनुनासिक वाले में नीचे लिखेंगे गांव, आपके दिया हुआ है गांव, फिर आप लिखेंगे छांव, फिर आप लिखेंगे काम, फिर इसके अलावा नहीं जाम नहीं होता, पांव लिख सकते हैं आप, बस केवल इतने लिख लो अभी। हवेलियां, हवेलियों के बाद है सन, और इधर इधर लिखो बेटा अंतर, अंतर के बाद बंदर,
ये नीचे वाले लिख लिए होंगे ना। नीचे लिखेंगे शकरकंद, अनुस्वार वाली की तरफ एक और लिख लो छुट्टियां, और कुछ में आप खुद भी कर लेंगे। छुट्टियां देख लो बेटा, जितने मैंने लिखा दिए और बाकी खुद से एक दो वर्ड बचे हुए हैं, खुद से करके देखेंगे। अब है वर्कशीट नंबर 20, आज हम 20 तक ही करेंगे। 20 निकाल लीजिए सब। 1 से 20 तक की गिनती को शब्दों में लिखिए। अब इसके लिए आप मेरा वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको यहाँ नहीं कराने वाला, इसके लिए एक अलग से वीडियो है काउंटिंग का, मेरा प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देखेंगे। व्याकरण वाली जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर वहां पूरी काउंटिंग लिखी हुई, उसमें उसमें देख करके लिखेंगे, गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना।